नमक शमक नमक शमक डाल देते हैं नमक शमक की, क्योंकि इसके बगैर कुछ भी पूरा नहीं होता। तो फिर वो एनर्जी से जुड़ा, तो फिर मुझे लोगों ने एनर्जी शेफ ऑफ इंडिया का टैग दे दिया। तो मैं घर चले गया और घर जाके मैंने देखा कि मेरी जो छोटी बेटी है वो किताब पढ़ रही थी महात्मा गांधी जी के ऊपर। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूँ आपका अपना सैंडी और न्यूज़ टुडे लाइव में आप सबका स्वागत है। आज मेरे साथ एक बहुत ही खास सेलिब्रिटी हैं जिसके लिए हाउस वाइफ आई थिंक वाउच करेंगे। इनको कौन नहीं जानता, एटलीस्ट हाउस वाइफ जो हमें देख रही हैं सबको पता है। सर सत श्री अकाल, थैंक यू सो मच जी, सैंडी जी थैंक यू सो मच। सबसे पहले इनके साथ एक कॉन्ट्रोवर्सी जुड़ी है, वो कॉन्ट्रोवर्सी क्या है वो मैं बता दूँ। इनका नाम हरपाल सिंह सोखी है। इंटरनेट पे आधी सर्चेज में मेरे को मिला हरपाल सिंह सोही, तो सारे करेक्ट कर लो, ये कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल, ये मुझे भी नहीं पता था, बट ये आज मुझे पता चल गया। हाँ, ये आपको मैं क्लैरिफाई कर दूं। हरपाल सिंह सोखी साहब बहुत ही फेमस शेफ हैं, इनके स्टाइल के लिए, इनकी एनर्जी के लिए और इनके फेमस शो के लिए टर्बन तड़का। जी, टर्बन तड़का सर, बात वहीं से शुरू कर लेते हैं। टर्बन तड़का से टर्बन बड़ी प्यारी आप जी, थैंक यू सो मच सर। ये कौन सा स्टाइल है सर, कई पटियालवी पहनते, कई जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं, मुझे ये हमेशा लगता था कि मैं अपनी पग को कैसे सजाऊं, ठीक है जी। मैं लोगों को देखता था अलग अलग हेयर स्टाइल लेके घूमते हैं, तो मैं सोचता था कि यार पग को मैं कैसे सजाऊं ताकि मेरी सजी हुई पग को देख के और सिख प्राजने हैं वो इंस्पायर हो जाएं। तो मैंने एक बार ऐसे ही करीब 12 साल पहले मैंने सोचा कि दो रंग की पगड़ी जो है वो बना के पहनता हूँ, और तब से मुझे खुद पर्सनली इतनी अच्छी लगती है। इसको तो बहुत मुश्किल है सेट करना भी। नहीं, सेट करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम दो रंग की पगड़ियों को जोड़ देते हैं। अच्छा, ठीक है ना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि इसको मैनेज करना और मेंटेन करना सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप वॉश करते हैं आपको ड्राई क्लीन कराना पड़ता है, आप रेगुलर वॉश नहीं कर सकते। जब मैंने पहली बार पगड़ी पहनी थी और मैंने बना के हमने धो दी बिना जो सोचे समझे, जो रेगुलर तरीका होता है, फिर धोने के बाद सुखाई, अगले दिन देखे कि जो लाइटर शेड का तरफ है वो जो है वो सारा डार्क कलर का शेड का कलर चल गया। तो फिर हमें लगा अरे ये तो नुकसान हो गया। तो फिर समझ में आया, पहले फिर नेक्स्ट टाइम और एक बार सोचा कि जैसे पुराने जमाने में लोग कहते हैं ना, रंग पक्का करना हो तो लून पा दो बच्चे, है ना, पानी से, तो नमक डाल दो तो रंग पक्का हो जाता है। तो वो भी किया हमने, उससे भी नहीं बात बनी। फिर ड्राई क्लीन करवाया, तो जब ड्राई क्लीन करवाया तब जाके बात बनी। तो ईच टाइम यू वेयर अ टर्बन इज वेरी एक्सपेंसिव। नहीं, फिर तो सर शान में एक्सपेंस नाम की चीज कैसे जुड़ जाती सर, ना मतलब शान है मेरी इस पे तो कोई एक्सपेंस जुड़ ही नहीं सकता सर। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। तो आपने ये ग्रेसफुली अपने आप को कैरी किया हुआ है। बिल्कुल। बात हुई है अभी नमक की, तो मुझे एक चीज याद आ गई जी, आपको भी पता हो क्या जी, नमक शमक। हाँ, तो आपके स्टाइल में जरा एक बार हो जाए। बिल्कुल जी, सभी के लिए, जितने मुझे लोग देख रहे हैं मैं आपके लिए कर रहा हूँ जी। नमक शमक डाल देते हैं नमक शमक। तो ये लाइन कहाँ से आ गई सर? सर ये क्या है मैं बताऊँ आपको, जब मैं सीरियस टेलीविजन करने गया था ना, तो सीरियस टेलीविजन जब मैं करने गया था तब मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो अलग होना चाहिए, और जो मेरे डायरेक्टर साहब थे गिरीश साहब, वो उन्होंने कहा कि हरपाल तुम शो तो करने आ गए हो लेकिन मुझे एक प्रश्न का उत्तर दे दो। मैंने कहा बताइए गिरी जी। बोले आप ये बताओ कि आपके मरने के बाद लोग आपको कैसे याद रखेंगे? मैंने कहा यार जीते जी याद रख लें वही काफी है, मरने के बाद कैसे याद करते हैं, वैसे बहुत याद करते हैं, आपका स्टाइल ही भूल गए। तो बोले नहीं तुम ये मुझे बताओ कैसे होगा, नहीं तो शूटिंग नहीं होगी। अच्छा, वो निकल गए। अच्छा। और फिर मैं परेशान हो गया, मैंने कहा ये क्या बात हुई भाई। तो मैं घर चले गया और घर जाके मैंने देखा कि मेरी जो छोटी बेटी है वो किताब पढ़ रही थी महात्मा गांधी जी के ऊपर, और मैंने जाके ऐसे ही पन्ने खोले तो देखा सॉल्ट सत्याग्रह निकला। अच्छा। और वो मैंने चैप्टर पूरा पढ़ा, तो मुझे लगा कि यार गांधी जी के पास कई सारी चीजें थी लेकिन एक सिंपल सा इंग्रेडिएंट उन्होंने पकड़ा, नमक, और फ्रीडम स्ट्रगल की ओर बढ़ गए। और उस समय बहुत सारे लीडर थे जो अलग अलग सलाह दे रहे थे कि ये कर देंगे वो कर देंगे, बट ये सॉल्ट जो चीज है बड़ी सिंपल से इंग्रेडिएंट को पकड़ा चल पड़े। और मैंने वहां सोचा कि ये नमक जो है
सबसे सिंपल इंग्रेडिएंट है, ये ना पढ़े तो बाकी सारी चीजों का स्वाद उभर के नहीं आता, ठीक है? सही मात्रा में पढ़े तो सबका स्वाद जो है उभर के आ जाता। मैंने ये सही है, मैंने ये पहली बार यूज की थी, ये नहीं, तब मैंने सोचा कि ये सही चीज है, फिर मैंने कहा पंजाबी यार ये नमक शमक करते कुछ, पर वो स्ट्राइक हुआ यूरेका मोमेंट जिसको लस्सी वस्सी असी तुसी पंजाबियों आदत है ये बोलन दी, तो फिर वो नमक शमक निकला। मैंने गिरी जी को बोला जाके, गिरी जी मुझे वो नुस्खा मिल गया कि मेरे मरने के बाद लोग मुझे कैसे याद रखेंगे, नमक शमक करेंगे हम डाल, नमक डालते हुए हम कह लेंगे नमक शमक डाल देते हैं। वो गिरी जी ने कहा नहीं अब इसको ना गा के बताओ, नमक शमक डाल देते हैं। तो वो करते करते नमक शमक डाला, फिर मुझे ऐसा लगा कि भाई ये एनर्जी है खाने की, क्योंकि इसके बगैर कुछ भी पूरा नहीं होता, तो फिर वो एनर्जी से जुड़ा, तो फिर मुझे लोगों ने एनर्जी शेफ ऑफ इंडिया का टैग दे दिया। डांसिंग किया मैंने तो डांसिंग शेफ ऑफ इंडिया का टैग दे दिया। तो इस तरह से वो नमक शमक का जो जो निकल के आया निखार, ये उस तरह से निखर के आया। और मेरे ख्याल से अब पूरे वर्ल्ड में सभी लोग मुझे नमक शमक के नाम से पहले जानते हैं, बजाय कि शेफ हरपाल के नाम से। अच्छा मैं एक चीज और पूछना चाहता था, देखिए नॉर्मल फैमिलीज में भी लड़के कुक नहीं करते, बनते कुकिंग करते भी नहीं है, घर पे आप कुकिंग करते थे वहां से आप ही आए, या कोई ऐसा प्रोफेशनल ट्रेनिंग आपने करी, या फिर आपको कुकिंग का बहुत शौक था आपने खाने घर पे बना के खिलाए? और ऑनेस्टली मैं कहूंगा कि मैंने जो होटल मैनेजमेंट किया कुकिंग वहां से मेरे स्किल डेवलप हुई। मैंने कैरियर बाय चॉइस नहीं लिया था, कैरियर बाय नेसेसिटी हुई थी। अच्छा। क्योंकि जो मेरे भाई साहब थे ना वो भी स्ट्रगल कर रहे थे आईटी के एग्जाम वगैरह के लिए और पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, और मैंने भी फर्स्ट अटेम्प्ट में पार नहीं किया आईटी और इंजीनियरिंग तो फिर सेकेंड ईयर का स्ट्रगल शुरू हो गया। तो भाई साहब ने कहा कि यार तुम भी स्ट्रगल करोगे मैं भी स्ट्रगल करूंगा, परिवार को कौन सपोर्ट करेगा, तो एक ऐसा करो कि आप अपने आप को एक स्किल सेट से एम्पावर कर लो जिससे नौकरी मिल जाएगी। तो आईएचएम करने चले गए इसी बहाने, उनका ही माध्यम मिला तो आईएचएम करने चले गए। वहां जाके ये पता चला कि शेफ बनना है भाई, शेफ के अलावा कुछ नहीं बनना। अच्छा जब जब ये कोर्स करते हैं ना सर, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं मैं, जब कोर्स करते हैं ना तो बीच में एक लाइन आती है, उसमें तीन चार लाइंस होती है जी, सर्विस आ गई, हॉस्पिटैलिटी आ गई, फिर कल्नरी सर्विसेज होती है एंड देन मैंने जो पढ़ा एक्चुअली जब मैं भी नॉन मेडिकल से हूं, तो एक होती है अपनी कुकिंग की लाइन, तो इसमें आपने क्या अकड़ बक्कड़ किया था? तो अकड़ बक्कड़ कुछ नहीं किया था, तीसरे महीने में मुझे वो वर्ड शेफ ये समझ में आया। हाँ। और मुझे एक अंदर से आवाज आई, मैं ये कहूंगा कि मुझे शेफ बनना है और पैसे कमाना है। और पैसे कमाना तो तभी था ही नहीं, देखिए। अच्छा। मैं आपको अगर स्टार्टिंग वाली जर्नी बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे, इसीलिए आज के तारीख में बहुत लोग जो है जंप कर जाते हैं कि नहीं यार बहुत लंबा स्ट्रगल है, ठीक है ना। तो जब शेफ बने तो अंदर से आवाज आई कि शेफ बनना, ठीक है, एक एटर्नल आवाज जिसको मैं कहूंगा एक आत्मा ही आवाज आई कि भाई ये तुम इसी के लिए बने हो। तो जब दोनों का मिलन हुआ उसके बाद मैंने कहा कि अब मैं फोकस हिलाऊंगा नहीं, इसको साथ में कायम रखूंगा। और वहां से जर्नी शुरू हुई। आपको बता दूं कि मेरी पहली सैलरी 800 रुपए थी, वो करीब डेढ़ साल तक 800 रुपए थी, ठीक है ना। उसमें घर का रेंट जाता था करीब 400 रुपए, ठीक है, बाकी 400 रुपए में आपको गुजारा करना पड़ता था। आधे महीने में वो 400 रुपए खत्म हो जाते थे, इसीलिए 12 से 16 घंटे की नौकरी करनी पड़ती थी ताकि बाहर जाओगे तो पैसे खर्चा होंगे, ठीक है। तो ये स्ट्रगल थी और ये स्ट्रगल काफी लंबी चली है, ठीक है। और उसके बाद जाके ये मैंने यूं समझिए कि कंफर्ट लेवल आना शुरू हुआ, थोड़ा अपर एस्पिरेशनल लेवल पे जाना शुरू हुआ। तो ये चीजें धीरे धीरे हासिल होती है, ओवरनाइट किसी को हासिल नहीं हुई। बड़ी स्ट्रगल रही है ना? जी जी। तो अब तो बड़ी गाड़ियां हैं, बहुत कुछ है। नहीं बड़ी गाड़ियां तो नहीं कहूंगा, वो ठीक है, वो फैंसी चीजें हैं, बट मैं उनसे उतना प्रभावित नहीं होता हूँ। मैं ऐसी चीजों से प्रभावित होता हूँ जो डिफरेंशिएटर क्रिएट करते हैं आपकी सोसाइटी के लिए, आपकी फील्ड के लिए, आपकी तरफ से। जैसे जब मैं कहूंगा कि जब मैं टीवी पे आया हूं तब मैं ये कहूंगा कि मैंने वो ह्यूमर लेके आया हूं मैं, ठीक है। उसके पहले एक सीरियस था कि टीचिंग वाज लाइक स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप। जब मैं टीवी पे आया हूं तो मैंने वो डिफरेंशिएटर किया कि भाई ये मजाकिया चीजें हैं, इनको देखने में मजा आता है, इनकी रेसिपी तो अच्छी होती है बट इनको देखने में मजा आता है, ठीक है। वो डिफरेंशिएटर क्रिएट किया। टर्बन को अलग तरीके से पहना, ठीक है जी, वो डिफरेंशिएटर की क्रिएट किया। बिरयानी लीडर जो बुक है वो लिखी, वो एक कंप्लीट आईएचएम वाले के लिए कंप्लीट डिफरेंशिएटर क्रिएट कर दिया कि भाई आप एक मैनेजमेंट लेसन दे सकते हो आईएम्स
और मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स वालों को, तो ये एक उनके लिए डिफरेंशिएटर क्रिएट कर दिया कि आप जब तक डिफरेंस नहीं बिल्ड कर पाओगे तो आप जाने नहीं जाओगे। ये बहुत जरूरी है ना, बहुत जरूरी है। जैसे एक संजीव कपूर साहब का एक अलग स्टाइल है, और मैं देखता नहीं था पहले, आपको बताऊं, मैं खाने के जब आता था ना, मैं कहता था मम्मी आपका स्टाइल है, तो मैं जब से आपका देखा मैंने जी, तो मुझे दाल बनती हुई देखने में भी इंटरेस्ट आने लगा। ये हर एक के साथ हुआ है, क्योंकि एक पंजाबी बंदा और थोड़ा सा पंजाबी टच आता है हमारी बातों में भी, आपको पता लग जाता है ना बात करते हुए भी। अब बात करते हैं, हमने बिरयानी की करी है, बहुत लजीज बिरयानी होती है, तो ये मैं दिखा दूं दर्शकों को, द बिरयानी लीडर ये बुक है, कहाँ मिलेगी सर? सर ये अमेजोन पे अवेलेबल है अभी। अच्छा, तो ऑनलाइन आ गई है, अमेजोन पे अवेलेबल है, बिल्कुल। अच्छा, इस पे आपके सिग्नेचर्स भी हैं? ये मैंने अभी आप लोगों के लिए किए हैं स्पेशल। अच्छा, वैसे ये हमारे लिए है जी, ये सिर्फ हमारे लिए अवेलेबल है, ये आपके लिए सिग्नेचर बुक नहीं होगी। तो आपको सिर्फ सिंपल प्लेन, इसमें कुछ चैप्टर्स हैं, द इंग्रेडिएंट्स ऑफ गुड टीम। अच्छा, इसमें आपने मैनेजमेंट भी बताई है? बिल्कुल, सारे मैनेजमेंट के ऊपर ही है, एथिक्स, इसमें कोई रेसिपी नहीं है। अच्छा, इसमें रेसिपी नहीं है, ये है हाउ टू बी सक्सेसफुल इन द किचन व्हाइल मैनेजिंग ऑल द स्टफ एंड द टीम एंड एथिक्स ऑफ मैनेजिंग द टीम, राइट? यस, मैं सही कह रहा हूं? हां बिल्कुल। और इसमें जो एलिमेंट्स है वो मैं आपको बता दूं कि द बिरयानी लीडर इज ऑल अबाउट लिंकिंग कुकिंग विथ मैनेजमेंट। जो बर्तन के अंदर आपको पकाते वक्त दिखता है, मैंने उन सारी चीजों को मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के साथ जोड़ा है। तो दो चीजें होती है, एक मैक्रो लेवल है जो किचन में आपको सारी चीजें दिखती है, जहां आप लीडरशिप क्वालिटी अपनाते हो, स्टाफ मैनेज करते हो, इंग्रेडिएंट्स मैनेज करते हो, और एक जो है जो बर्तन के अंदर जब आप पका रहे होते हर इंग्रेडिएंट कैसे बिहेव करता है, उनको मैंने मैनेजमेंट के साथ जोड़ा। तो ये हमारे बिरयानी लीडर इज ऑल अबाउट दैट। बिरयानी सर, मैं पूछना सिर्फ ये चाहता हूँ कि जो दर्शक आपको देख रहे हैं ना, वो बिना एक एक थोड़ा सा टिप लिए ना तो जाने भी देंगे मुझे भी और आपको भी जी। तो वो जो देख रही हैं जी, और जो वो लड़के भी बनाते हैं घर पे कुक, तो बिरयानी है जो स्पेशल जी, उसको कैसे स्पेशल बना सकते हो आप? देखिए, बिरयानी ना एक प्रोसेस है, ये ओवरनाइट में नहीं आती, मैं आपको ये चीज क्लियरली बता दूं, ये कंप्लीट प्रोसेस है। तो बिरयानी जो है ना एक प्रोसेस है, ये जो है ओवरनाइट नहीं आती सर। लेकिन की टिप्स मैं आपको बता दूं कि जो मेरे उस्ताद ने सिखाई, कि आपका जो अनियन है जब आप ब्राउन करते हैं, जिसको बिरिस्ता बोलते हैं, वो एग्जैक्टली सटीक तरीके से ब्राउन होना चाहिए। थोड़ा सा भी ज्यादा ब्राउन हो गया तो कड़वाट ले आएगा बिरयानी में, ठीक है जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, घी जो है करेक्ट, घी जो है ना वो करेक्ट तरीके की मात्रा में पड़ा होना चाहिए। घी कब डालते हैं सर? एकदम घी जो है दो टाइम पे डालते हैं, एक जब आप मटन मैरिनेट कर रहे होते या प्रोटीन मैरिनेट कर रहे होते तब घी डलता, एक जब आप तय लगाते हैं तो बीच बीच में घी लगता है, वो लुब्रिकेंट बोलते हैं ना। तो एक लीडर का काम ये है कि वो हर जगह पे जाके ना अपने छोटे छोटे टिप्स देता जाए, और वो जो टिप्स है वो सब कुछ फैसिलिटेट कर देता है, जब सबको अलग अलग रहता है। डालते हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स डाल के देते हैं ना जी, वो अच्छा निकालने का भी तरीका होता है बिरयानी को, यूं ही आप नहीं निकाल सकते। अच्छा, तो बिरयानी हमेशा परत साइड से निकाली जाती है, बीच से आप निकालोगे ठीक है तो सारे चावल टूट जाएंगे और वो सही नहीं होता। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जब आप बिरयानी निकालते हैं तो ये ध्यान रखें, और फ्लैट वाला चम्मच लें। अच्छा, जिसको कहते हैं ना वो नहीं होना, थोड़ा बैंड नहीं, बैंड नहीं, फ्लैट वाला चम्मच लें, झारा जिसको कहते हैं, जिससे आप फ्राई करते हैं, वो साइड से डालें और धीरे से लिफ्ट करें बिरयानी। मेरे एक उस्ताद ने क्लियरली कहा, मैंने देखा कि जब बिरयानी बनती है आप उस वेसल को जोर से पटक नहीं सकते। अच्छा, क्योंकि जब तो पटकोगे कई लोग ऐसे उठा के पलड़ सकते हो। हाँ। लेकिन आप ऐसी हंडी जोर से नहीं रख सकते, क्योंकि जो एरेशन क्रिएट होता है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें टिप्स भी है, और इनको मैंने मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के साथ जोड़ा भी है अपने बुक में जी। अच्छा, ये थी इनकी कहानी, मैं बहुत कुछ जानना बाकी है और बहुत कुछ आप रह गया, आपको भी पता है कि काफ़ी कुछ इनके बारे में पर्सनल लाइफ के बारे में जानना रह गया, इनकी पर्सनल सेकंड हाफ के बारे में जानना रह गया, और इनके कुकरी स्किल्स घर पे कैसे हैं वो भी जानना रह गया, लेकिन वो पार्ट टू के लिए वेट करनी पड़ेगी आपको। यहाँ पे इतना ही था, क्योंकि अभी इनका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है आज के लिए, तो इतना ही हमें मिल गया, बहुत है हरपाल जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ टुडे लाइव के। थैंक यू सो मच जी, तो अगली बार मिलते हैं सर आपके बहुत सारे क्वेश्चन के साथ। डेफिनेटली, थैंक यू सो मच।